बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं और मम्मी जा रहे हैं घूमने और शाम का टाइम हो रहा है, 6:30 लगभग बज रहे हैं। तो हम दोनों तैयार होके निकल लिए हैं घर से बाहर और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। बहुत प्यारा शाम का जो मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा हो रहा है। हमारे इधर बन रही है कॉलोनी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग चल रही है, बनने के बाद में किस तरह की बनके तैयार होगी आने वाले टाइम पे पता लगेगा। थोड़ी सी दूर पे ही यहाँ पर हमारा ऑटो मिलते हैं। आ चुके हैं हम सड़क पर जाने के लिए, ऑटो देख रहे हैं लेकिन ऑटो नहीं मिल रहा है। जब भी कहीं जाना होता है ऑटो नहीं मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आज का ब्लॉग शाम से शुरू हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑटो हमें मिल चुका है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं और मम्मी दोनों निकल चुके हैं सैर पे शाम को। ऐसा क्या है जो हम शाम को निकल रहे हैं इतना सज धज के तैयार होके? तो यहाँ पर देखिए रोड का जो देखने में जो दर्शन होता है वो बहुत प्यारा लगता है। मुझे साइड की विंडो सीट होती है या फिर ट्रेन की विंडो सीट होती है, बहुत अच्छी लगती है। ऑटो में भी मैं साइड से ही बैठी हूँ। इसके बाद में इसमें और सवारी बैठ गई है तो फिर मुझे दूसरी साइड पे बैठना पड़ा है। दोनों साइड से देखने पर जो इधर उधर का जो नज़ारा होता है बहुत ही प्यारा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे बरेली का मशहूर किला पुल है, बहुत ज़माने से, मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने का ये पुल है और बार बार इसकी मरम्मत होती रहती है। और ये पुल ऐसा है कि मेन ट्रैफिक जो रहता है रामपुर और बरेली का, या फिर आप बोल सकते हैं लखनऊ दिल्ली का, तो ये मेन हाईवे है। इसके आगे देखिए जो पैसेंजर बैठे थे वो यहाँ से उतर चुके हैं। आगे हम फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं और मौसम धीरे धीरे जो समय है वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। लगभग यहाँ पर 7:45 बज चुके हैं, लाइटिंग वगैरह यहाँ पर ऑन हो चुकी है। और इस टाइम पर बरेली में जो पुलों का निर्माण है जोरों शोरों से चल रहा है, 3 से 4 पुल बन चुके हैं और बाकी जो रह गया है फ्लाईओवर वगैरह वो बनते ही जा रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही प्यारा लगता है, खासकर जो शाम का होता है। तो आप आगे देख सकते हैं जो पिलर होते हैं, ये लाइटिंग वाले पिलर होते हैं, उस पर लाइट इतनी प्यारी लगी हुई है, थ्री कलर में लगा रखी है। मुझे तो ये नज़ारा इतना प्यारा लगता है। आप देखिए आगे खंभे पे कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है, डेकोरेशन हो रखी है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गंतव्य पे अपने। और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं शादी में। तो शादी में जाना वैसे ज़रूरी नहीं था लेकिन फिर भी मम्मी बोली चलो, मामा के फ्रेंड हैं, उनके बेटी की शादी थी तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। वैसे हमारा कोई खास वो नहीं है लेकिन अगर कोई प्यार से इन्वाइट करता है तो जाना भी चाहिए। तो आ चुके हैं हम लोग जहाँ पर हमें पहुँचना था, ऑटो से उतर चुके हैं। ऑटो के बाद में अब थोड़ा सा रास्ता पैदल का है, लगभग 5 मिनट का। तो मैं और मम्मी दोनों उतर चुके हैं और इसके बाद हम लोग पैदल चल रहे हैं, पहुँच जा रहे हैं हम लोग घर पे। तो पूरा वीडियो आपको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता है, मैंने वीडियो सही बनाया है ये भी नहीं पता है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। घर हम पहुँच चुके हैं, इसके बाद थोड़ी सी देर हम ये लोग यहाँ बैठे हैं 15 मिनट। उसके बाद में जहाँ पर खाना पीना चल रहा था वहाँ पहुँच चुके हैं। ये मामा मामी हैं तो इन लोगों के साथ हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर खाना स्टार्ट है। और ये देखिए हम लोगों से पहले यहाँ पर ये मेरा भाई है छोटा, ये भाभी है जो अभी पिछली बार शादी हुई है नवंबर में, और ये मेरी भतीजी है। खाना चालू हो चुका है, मम्मी यहाँ पर प्लेट लगा रही है तो मैं अभी क्यों पीछे रहती। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से पूरे एक नज़र डाली है कि खाने में क्या क्या है मेन्यू में, और उसके बाद में सब लोगों को देखा है। कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर, तो साथ ही साथ मैंने भी यहाँ पर अपनी प्लेट लगा ली है और खाना फटाफट मैंने खाया। खाना यहाँ खा चुके हैं, फिर मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा क्लिप यहाँ पर वीडियो का ले लेती हूँ कैसा आ रहा है। और दो एक मैंने फ़ोटो भी यहाँ पर लिए हैं। मामा मामी यहाँ पर रसगुल्ले खा रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। मम्मी बैठी हुई हैं यहाँ पर कुर्सी पे, मैंने रसगुल्ला इसके बाद में खाया है। मैंने सोचा पहले मैं वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेती हूँ। खाना पीना कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, फिर हम लोग चल रहे हैं वापसी। थोड़ी देर घर पर रुकेंगे मामा जी के यहाँ, उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर मामा मामी भी हमारे साथ आ चुके हैं और हम लोग बैठ चुके हैं टुक टुक पे। डायरेक्ट यहाँ से हमें सवारी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर हमें 2 सवारी चेंज करनी होगी। टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग रात के 8:30 बज चुके हैं, अभी बजे नहीं बजने ही वाले हैं और बिल्कुल यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। इसके बाद में हमें यहाँ पर सवारी चेंज करनी थी और ये है बरेली का सैटेलाइट बस अड्डा, रोडवेज बोल सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो बरेली का मेन यहाँ पर बस अड्डा है वो यही है, यहाँ से आपको हर जगह के लिए सवारी मिल जाती है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं सवारी का, ऑटो का, और 8:30 बजे ही इतना ज़्यादा हाई रेट मांग रहे हैं कि आप बुक करके ले जाइए, या फिर इतने जो नॉर्मली 30 रुपये चलते हैं उसके 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये इस तरह से बोल रहे हैं। फाइनली हमें एक ऑटो वाले भैया मिल चुके हैं, हम लोग बैठ गए हैं। फिर से हमारे ऑटो ने स्पीड पकड़ ली है और हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। लेकिन घर से जाने से पहले यहाँ पर जो लाइटिंग होती है वो देखना क्यों भूल जाएंगे, वही तो एक नज़ारा होता है जब भी हम कहीं जाते हैं, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी तो और कुछ नहीं होता है देखने के लिए,
नॉर्मली हम देखते रहते हैं, लेकिन शाम के समय की जो लाइटिंग होती है, डेकोरेशन होता है और जो गाड़ियों की स्पीड होती है, एक साइड में बैठ के ऑटो में या फिर ट्रेन में हम बैठ के देखते हैं, तो वो नज़ारा बहुत प्यारा लगता है। ये आदत कहीं ना कहीं हर किसी में होती है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो। क्या आप लोगों में ये आदत है मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को ये पसंद आता है या नहीं आता है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए फ्लाईओवर के साथ साथ यहाँ पर जो ओवर ब्रिज जाने के लिए पैदल पुल होता है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। और ये है यहाँ का बरेली का हमारे इज्जत नगर स्टेशन, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और रात में तो इसकी लाइटिंग ही बहुत प्यारी है। शादियों का सीज़न चल रहा है तो आप देख सकते हैं बैंक्वेट हॉल जो है वो कितने ज़्यादा सजे धजे हैं, हर जगह शादी ही शादी है। इतना ज़्यादा मतलब डेकोरेशन, इतनी ज़्यादा भीड़, जिधर देखो उधर भीड़, जिधर देखो उधर ही लाइटिंग वगैरह डेकोरेशन, मन को भा जाती है। फाइनली हम लोग उतर के आ चुके हैं अपने घर के रास्ते पे। ये हमारा पड़ता है सीबीगंज स्टेशन, तो स्टेशन को पार करते हुए हमें अपने घर की तरफ आना होता है, क्योंकि डायरेक्ट हमारे घर पे सवारी नहीं आती है। तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है जो कि हम उतरे हैं वहाँ से, और रात हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है। तो मैं वीडियो शूट करती जा रही हूँ और घर के लिए निकलते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने लाइनें क्रॉस की हैं, उसके बाद चलते हैं हम घर पे, मिलते हैं आपसे घर पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। चुके हैं हम घर पे, दुनिया जहान कहीं भी घूम के आ जाओ, लेकिन जो शांति अपने घर में मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। एक दावत के लिए कितना कुछ तैयारी करनी पड़ती है, एक शादी के लिए कितनी कुछ तैयारी होती है। जाओ इतना तैयार हो तामझाम करके, इतना मैं कभी तैयार नहीं होती। पर मम्मी ने कहा कि चलो, तो फिर हम चले गए और अब आ गए हैं। थकान तो हो ही रही है, देखते हैं काम करना है तो करती हूँ, और नहीं तो फिर कपड़े वगैरह चेंज करके आराम से लेटूंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।